बिहार में महागठबंधन के दोनों बड़े सहयोगियों जेडीयू और आरजेडी के बीच उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर खींचतान जारी है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने विधायकों नेताओं के साथ बैठकें कर रही हैं, लेकिन समझा जा रहा है कि मामले में कोई भी बड़ा फैसला दो दिन बाद यानी 18 जुलाई को आ सकता है। आरजेडी चीफ लालू साफ कर चुके हैं कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसे में अब फैसला नीतीश को ही लेना है। या तो वो तेजस्वी को बर्खास्त करेंगे या फिर भ्रष्टाचार को लेकर खुद इस्तीफा दे सकते हैं। जो हालात हैं उनमें पहले की संभावना ज्यादा है। उस स्थिति में लालू की पार्टी के बाकी के 11 मंत्री भी इस्तीफा दे सकते हैं और नीतीश सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला हो सकता है इस नाम पर कि किसी भी हालत में बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है। वैसे इस सब की नौबत न आए इसके लिए तमाम विपक्षी दलों की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं। सोनिया गांधी और शरद पवार जैसे प्रमुख विपक्षी नेता भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दो दिन पहले नीतीश से बात की थी और उन्हें राष्ट्रपति चुनाव होने तक तेजस्वी पर कोई फैसला नहीं लेने के लिए मनाया था। ऐसे में अब संभव है कि तेजस्वी के नीतीश मंत्रिमंडल में बने रहने को लेकर 18 जुलाई को कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जेडीयू ने रविवार को अपनी पार्टी के विधायकों की जो बैठक बुलाई है वो मुख्य रूप से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा के लिए ही है। इस पार्टी के सभी 71 विधायक किस तरीके से एकजुट रहें और क्रॉस वोटिंग न करें इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। नीतीश की पार्टी जेडीयू राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।